हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉपुलर प्रोजेक्ट जो मूवी है सीता, उसके लिए पहले हम अप्रोच किया गया था करीना कपूर खान को, लेकिन उन्होंने भारी रकम मांग ली थी, इसलिए अभी वो मूवी जा चुकी है कंगना रनौत के पास। यस, आपने सही सुना, सीता मूवी में मेन सीता का किरदार निभाएंगी कंगना रनौत। कंगना रनौत की मूवी थलाइवा भी रिलीज़ हो चुकी है और अच्छा बिजनेस कर रही है। अभी इन्हें सीता मूवी के लिए अप्रोच किया गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में जो रावण का किरदार निभाएंगे उसके लिए रणवीर सिंह का नाम आया है। रणवीर सिंह का खिलजी जो किरदार है, आप सबने देखा है कितने अच्छे से उन्होंने निभाया था। अगर उन्होंने सीता मूवी में रावण का किरदार निभाया तो नो डाउट कि वो बहुत अच्छे से उसे निभाएंगे। कंगना रनौत और रणवीर सिंह पहले किसी मूवी में इकट्ठे नज़र नहीं आए हैं, तो अभी ये भी देखना है कि इस मूवी में ये दोनों कैसे लगेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। कंगना रनौत तो नेशनल अवार्ड विनर है, कितने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। उधर रणवीर सिंह ने भी गली बॉय से लेकर रामलीला तक हर मूवी में अच्छा काम किया है और उन्होंने भी काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं। कंगना रनौत ने तो कंफर्म कर दिया है कि वो सीता मूवी कर रही हैं, लेकिन अभी रणवीर सिंह ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। लेकिन सोर्सेज की माना जाएं तो रणवीर सिंह को इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी और अपना करेक्टर भी बहुत अच्छा लगा है, तो लगभग उनका भी कंफर्म ही है ये मूवी करना। सो गाइज, आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है कि इन दोनों को इकट्ठा मूवी में आने की न्यूज़ सुन के, और हमें इनको ऑल द बेस्ट कहेंगे सीता मूवी के लिए। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू।